बहुत अच्छे अरवाई सुमित की पार्टी तैयार हो। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, पंडित एक और बड़ी हस्ती अपने बीच में पहुंच चुकी है, पंडित जी मांगेराम के सबसे छोटे शिष्य भाई नसीब सिंह कुंडू चंद्रावर धर्म का गुंडा चोटिया आपके बीच में पहुंच चुके हैं, वो भी अपना हस्ती कार्यक्रम पूरा होंगे। आजकल पल्ला तो लाला मजनू ही रंजा लिंदो चमन अच्छे प्रेमी हुए, आजकल कैसे प्रेमी है, प्रेमी का न्यून खड़िया, प्रेमी न्यून खड़िया है, वो कहता है मेरे महबूब जरा जल्दी चले आ, वो लड़की कहती है पहले बटुआ और पैसे दिखा, लड़का कहता है पैसे तो नहीं, फिर लड़की कहती है ऐसे तो नहीं, वो कहता है मेरे पास क्या कमाई है, वो कहती फिर तू तो मेरा भाई है। हमारी फिल्मी दुनिया ने गाना बनाया था, बाबुल की दुआएं लेती दादा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मारे हरियाणा ने के गाना बना दिया, अकटापर की दुआएं लेती दादा तुझको पति बीमार मिले, आशिक की कभी ना याद आए, ससुराल में इतने यार मिले। अब आपके बीच में भाई सुमित शर्मा साथ हो गया। नसीब सिंह कुंडू के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई का। सभी जनता जनार्दन को सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है। ये सरजमी कलाकारों को सर चढ़ाने वाली जमी है। यहाँ विद्वान लोग, समझदार लोग, समझने वाले गुणवान लोग यहाँ इस महफिल में बैठे हुए हैं, और मैं इन सभी जितने भी मंच पर ये अपनी कला दिखा रहे हैं कलाकार, भाई डटिए यू रियाज अपना घरा करका है प्लीज, जब मैं बोलूं इतना फिर नहीं नहीं ऐसा है कि देखिए इसमें डिस्टर्ब होता है बोलने वाला। दो मिनट के लिए कि आप लोगों ने कोई बात नहीं, इस उम्र में सब में कमी आ जाए। धन्यवाद आपका, 10 का नोट आपने मुझे दिया मेरे सम्मान के लिए, मेरे आदरणीय हैं आप, लीजिए भाई इस बंजू में टेक ले, चुप रह जाएगा थोड़ी मैं अपने खुद की बात बताऊंगा, इतना बड़ा तो मजाकिया मैं नहीं हूं, एक मजाक किया था मैंने एक फिल्म में, वो आज तक मैंने छेद रहा है, क्योंकि एक गुरुजी के चेले बनकर मैंने अपने गुरुजी की टांग तोड़ दी थी, उस गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मारी ये टांग टूट ली, क्या तेरी टांग मेरी टांग पर के लड़ाई, ये इस प्रकार के डायलॉग। ये आपका बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने उस फिल्म को बड़ा पसंद किया, बड़ी देखी, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, जुबली पे जुबली बढ़ाते चले गए, आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, और आप ही हैं हमें चढ़ाने वाले। मैं अपने बारे में बात कहूंगा, एक बार मेरी शादी जब हुई मैं अपने ससुराल चला गया अपनी घरवाली में लेने के लिए, मेरी जी मैं थोड़ी ही आंट लग गया करते, राम मेरा ससुरा मिल गया, मैं जब गांव में बढ़िया तो गांव में वो लिख रहा था गांव से बाहर, वो बोला बलाउर बेटे ठीक ठाक, मैं ठह बनाना भूल गया, अटक गया ठह पर, मेरी मोटी मोटी आंख लकड़ी आई, मेरे ससुरे ने देखा कि बेटे उधर मर रहा छोरी रांड का ले लेगी, वो लेन के आया
मैं लग गया ठह बना मेरा घा जुड़ के खड़े हो गया बोला बेटा कोई बात ना इवीम का सांस ले ले जिंदगी में तो ना मैं ठीक ठाक नहीं पूछूंगा तो ठहराव के लिए खेद है ठहरना पंडितों ने कहा बोला ठहर जा बेटे ना तो हार जागा रे दाटा पड़ा कसाई बरी मार जागा रे आज दाटा पड़ रहा था आना था मैंने तड़के पल्याप लोगों के दर्शन करने के लिए फिर मैं थोड़ा लेट आया लेट हुआ मैं इसलिए क्योंकि वो मेरे ऊपर लेटा था लेट हुआ मैं इसलिए क्योंकि वो मेरे ऊपर लेटा था और मैं उसने निप्पल दे रहा था क्योंकि वो मेरा बेटा था बीमारी होगी बजा फिर देवर का पल्ला लाई थी उसना है जिता का ते चाय जा पर सूच माई है वो बुटा बीमार हो जा रहा काल लुजाए बेटी तो एक दिन ने मेरा भी लत्ता राख ले मैं बीमार अपन हो रहा था छोटा का सिरपा फिर के रोन लग गया उसका बड़ा भाई खड़ा था बजा ने कुड़वा हुआ है भाई बजा भाई ये ना मेरे पास है मेरे का कोई नहीं भैया कोई क्या देखो नहीं मारे आई जाता हूँ बात उन्हें ना करे फिर रोन लग गया फिर वो अभी बिहारी थी उसकी भाई के बात है मारा मुन ना करे ना ये मेरा मरे बात है मेरे का कोई नहीं नुबली मारे ही मैं बुआ सुन नुबली ना मेरे नहीं चल सकती फिर एक दिन नुबली अपने आने के लिए नहीं भाई नहीं कमाया खेत कमाई खाई आराम की गर्मा बाजा जूत खड़ा हुआ श्रीमती परेशान होगी बांध के तुम निकट की घर से यात्रा आसान होगी एक पंडल मधुर लग गई वहा फिर के क्या हो गया तो सती तो हाथ हुआ के लिया था उसका तो रह गया पकड़िया करे बचो दिए का मैंने साची बात बता दे तेरे पास माई हो तो मेरी मुलाकात करा दे किसी तरह भी बेटा तर जा इज्जत पंचायत बचा दे तो मैं 50,000 लिए थे तू 307 दुआ थे यो दो का ब्याज भुगत लूंगा तब बहु दुखा की खान होगी मजड़े जाऊं ओड़ा पूछ रहे मेरी माटी गणी दरानी होगी फिर किसी ने सलाह दे दी बोला केस करते यही वकील की सलाह केस करया ससुराल पे जानते भी डर लग जाते मारे जाने पे गरीब आदमी सताए करडा दिया बोधी बाइड पे किसी तरह ना उल्टे हटके छुरी चयाओ मैज पे ईब तो लड़ाई मारी कोर्ट के दरमियान होगी आखिर वही बीतेगी जो विधि का मैदान होगी के होया घर ते पिछड़े लाग गए तू मछली जांदी रही बहु जांदी रही छोरे कोट कचड़िए चक्कर काटे बुढ़िया के सदमा बेच कर वा मर की गल्ला बाबू हो गया बरोबर इस सदमे के मां मां गुजर की बरोबर के मां बाप हो गया झोटे की सा ठान बना कर रंडिया का सताप हो गया कौन करनी है भूखे सो पड़ोसी का सताप हो गया नहीं किसी का खुद भाई मास्टर अपना आप हो गया घर में मुझसे गला करे वा बिल्ली खुद प्रधान होगी प्रवीण शर्मा ने करनी थी गलती एक महान होगी तो